गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु, आज 17 जनवरी बुधवार। आसंतु जानिबा सकाळर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। यह पूर्वरु वीडियो टिकु गोटे लाइक कर दिंतु, चैनल ले नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी दिंतु, जहा द्वारा प्रत्येक दिनर अति गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे पाई परिबे। नंबर 1, BSKY नवीन कार्ड पंजीकरण अवधि वृद्धि, जनवरी 26 जाय करि परिबे आवेदन। BSKY नवीन कार्ड पाई आवेदन रे द्रुत अग्रगति होईछि। जनवरी 16 तारीख अपराह्न 2टा सुधा 3.46 लाख ऊर्ध्व दरखास्त पंजीकृत होईछि। तेबे जनसाधारण ठारु मिलिथिबा मतामत को विचार करी राज्य सरकार ऑनलाइन दरखास्त पंजीकरण समय सीमा को जनवरी 26 तारीख पर्यंत वृद्धि करिछन्दि। एही परिप्रेक्षी रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सचिव शालिनी पंडित एक स्वतंत्र विभाग विज्ञप्ति जारी करिछन्दि। BSKY नवीन कार्ड पाई योग्य विवेचित परिवार माने चलित वर्ष मे मास ठारु तालिकाभुक्त घरोई हॉस्पिटल मानकरे वार्षिक 5 लाख टंका एवं महिला सदस्यों पाई वार्षिक 10 लाख टंका पर्यंत देयमुक्त चिकित्सा सुविधा पाइबे। ऑनलाइन दरखास्त समय सीमा जनवरी 26 को वृद्धि करा जायछि। नंबर 2, राज्यर सबु युक्त 3 कॉलेज रे छात्र छात्रीनक पाई खोलिबो सेल्फ डिफेंस क्लब। राज्यर प्रति युक्त 3 कॉलेज रे छात्र छात्रीनक पाई खोलिबो सेल्फ डिफेंस क्लब। प्रथम पर्यायर राज्यर 200 कॉलेज को चिन्हट करा जायछि, जेउथिरे 43टी सरकारी कॉलेज थिबा बेले 152टी एडेड कॉलेज शामिल अछि। कॉलेज गुडी करे सेल्फ डिफेंस क्लब खोलिबा पाई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु 50,000 टंका लेखाय प्रदान करा जिवो। नंबर 3, टेकअप बेले रनवे रे धक्का हला दुई यात्रीवाही विमान। अल्पके बर्तिले 280 रु अधिक यात्री। जापान विमान बंदर रे घटिछि एभळी किछि अघटन, तबे एथिरे केही मृताहत होइनाहंति। एपी रो सूचना मुताबक मंगलवार जापान रो उत्तर द्वीप होक्काइडो न्यू चिटोज विमान बंदर रे कोरिया एयरलाइंस रो एक विमान क्याथे पेसिफिक एयरवेज रो विमान सह धक्का होइतला। टेकअप बेले एही दुर्घटना घटिथिला। कोरिया एयरलाइंस रो विमान रे 299 यात्रीक समेत क्रू मेंबर्स मध्य थिले। कोरिया एयरलाइंस रो विमान अधिकारीक कहिबा मुताबक दुईटी विमान रो डेणा परस्पर सह बाड़ाई होईछि, तबे एही दुर्घटना रे केही मृताहत होइनाहंति। विमान बंदर रे जमी रहिथिबा बरफ जोगु एही दुर्घटना घटिथिबा कुहा जाउछि। खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नु एथर पंजाब रो मुख्यमंत्री भगवंत मान को हत्या करबा को धमक देइछन्दि। आतंकवादी पन्नु एक नूतन वीडियो जारी करिछन्दि, जेउथिरे से पंजाब रो गैंगस्टर मानंकु तांको सह जोगाजोग करबा को कहिछन्दि। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रे महल नष्ट करबा को खालिस्तानी आतंकवादी धमक देइछन्दि। राज्य रे आईन श्रृंखला रक्षा पाई पंजाब पुलिस रो उद्यम को खालिस्तानी आतंकवादी समालोचना करिछन्दि। वास्तव रे पन्नु पंजाब रे होइथिबा एनकाउंटर विषय रे कहुथिले। या सहित पन्नु पंजाब रो गैंगस्टर मानंकु वीडियो रे तांको सह जोगाजोग करबा को कहिछन्दि। नंबर 5, परिक्रमा प्रकल्प उत्सव, सोशल मीडिया एक्स रे ट्रेंड करुछि श्रीमंदिर खुशी ओडिशा खुशी। परिक्रमा प्रकल्प उत्सव को नै ओडिशावासीक मध्यरे सृष्टि होइछि उत्साह। एही उत्साह एबे सोशल मीडिया रे देखिबा को मिलुछि। सोशल मीडिया एक्स रे ट्रेंड करुछि श्रीमंदिर खुशी ओडिशा खुशी। चा खटेरु चाकचक्य होटेल, बस्तीवासीरु बुद्धिजीवी, पुणि बड़दाण्डरु बेलाभूमि, सबुटि परिक्रमा प्रकल्पर चर्चा चलिछि। समस्त प्रकल्पर परिकल्पनारु वास्तव जाय जेउमानंकर भूमिका रहिछि सेमानंकु प्रशंसा करुछन्दि। नंबर 6, मालदीप रास्तारे बांग्लादेश, सर्वबृहत विरोधी दल बीपीएन रो इंडिया आउट अभियान। बांग्लादेशर सर्वबृहत विरोधी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP मालदीप भली इंडिया आउट प्रचार अभियान करिछि। एहा पूर्वरु मालदीपर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु तांको निर्वाचन प्रचारे इंडिया आउट स्लोगान देइथिले। एही स्लोगान जोगु मुइजुगत राष्ट्रपति निर्वाचनरे भारत समर्थक मोहम्मद सलीहंकु पराजित करिथिले। यूरेशियन टाइम्स रिपोर्ट अनुजाई BNP मुख्य बेगम खालिदा जियांको पुओ तारिक रहमान इंडिया आउट क्याम्पेन आरंभ करिछन्दि। से वर्तमान BNP रो कार्यकारी सभापित अछन्दि। BNP नेतृत्व रे बांग्लादेश रे इंडिया आउट मूवमेंट मालदीप रे अभियान को मने पकाइ देउछि, जेउ कारण रो आज भारत एवं मालदीप संपर्क तिक्त होइछि। नंबर 7, हिमस्खलन रे फसिले 1000 पर्यटक, चाइनार उत्तर पश्चिम जिनजियांग अंचल रे हिमस्खलन बा बरफ झड़ पर पाखापाखि 1000 पर्यटक दूर दूरांत ग्राम रे फसि रहिछन्दि। जेउठार किछि मीटर उच्चतार बरफपात ओ खराब मौसुमी कारणरु लोके फसि जाइछन्दि। कजाकिस्तान रुषिया एवं मंगोलिया सीमा निकटरे थिबा एक सुंदर स्थान हेमु गांको रास्ता प्रवेश अनेक दिन धरि बन्द होइछि। नंबर 8, लियोनेल मेसी हेले फिफा बेस्ट प्लेयर 2023, तृतीय थर लागि जितिले सम्मान। पुणि फिफा रो बेस्ट प्लेयर सम्मान जितिछन्दि आर्जेंटीना रो किंवदन्ती फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तृतीय थर पई से एही सम्मान हासिल करिछन्दि। सोमवार लंडन रे आयोजित एही समारोह रे मेसी को फिफा द बेस्ट मेन्स प्लेयर ऑफ 2023 सम्मान रे सम्मानित करा जाइछि। एहा पूर्वरु से 2019 एवं 2022 रे दुई थर फिफा बेस्ट प्लेयर सम्मान पाइथिले। आर्जेंटीना रो मेसी को फुटबॉलर किंवदंती खेलाड़ी बोली कहा जाए। कोटि कोटि क्रीडा प्रेमी को से आइकन, केवल फिफा अवार्ड नुहे मेसी 2023 रे अष्टम थर पई बालंडोर अवार्ड मध्य पाइथिले। नंबर 9, ज्ञानबापी मामला, हिंदू पक्ष को मिलिला ग्रीन सिग्नल।
ବାରଣାସୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମସଜିଦ ପରିସରରେ ଥିବା ବଜୁଖାନାର ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ବଜୁଖାନାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ବିପିର ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି ତତ୍କାଳ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ଦେଖାରେଖାରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ରାଜ୍ୟରେ 17ରୁ ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 17 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।